अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदराबाद टुडे न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। बीआरएस पार्टी लीडर पर लगाया गया इल्ज़ाम, गरीब की मदद करना पड़ा महंगा। ये वाक़या सुलेमान नगर डिवीज़न में पेश आया, जहां बीआरएस डिवीज़न सेक्रेटरी वहीद ने तौफीक नामी एक गरीब शख्स की कारोबार के लिए 1,30,000 रुपये की मदद की, ताकि वो अच्छा कारोबार शुरू कर सके, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके और पैसे आने पर इन्हें रकम वापस अदा कर दे। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो तौफीक ने वहीद को डराने लगे, जिसके बाद इलाके के जिम्मेदार के पास बैठकर इस बारे में बातचीत की गई। वहीद ने 1,30,000 में से 65,000 माफ़ कर दिए और तौफीक ने इन्हें 25,000 रुपए भी दिए। अब 40,000 बाकी थे। तौफीक ने ना सिर्फ बीआरएस लीडर वहीद के पास से उधार लिए, बल्कि दूसरों के भी पैसों का कर्जा बाकी था। कल रात तौफीक अपने घर की छत से लटक कर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बाद न्यूज़ चैनल्स पर बीआरएस लीडर वहीद को रॉडीशीटर्स और फाइनेंसर कहा जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। गरीब की हमदर्दी के साथ मदद करने पर कोई इन्हें फाइनेंसर या रॉडीशीटर कैसे कह सकते हैं? अगर कहा जाए तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। बाद अजा वहीद ने बीआरएस सुलेमान नगर डिवीज़न प्रेसिडेंट शेख नईम के साथ अत्तापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। आइए सुनते हैं इसकी तफसील बीआरएस लीडर वहीद और सुलेमान नगर डिवीज़न प्रेसिडेंट शेख नईम की जुबानी। हमारी ये खास रिपोर्ट में ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए हैदराबाद टुडे न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मैं वहीद पाशा, मेरे पास एक तौफीक बोल के बच्चा काम करता था, उसको मैं काम के पैसे कारोबार पर गया, कारोबार पर जाके उसके पैसे ले गए, उन्हें जुए में हार गया करा। 1,30,000 देना था, 1,30,000 देना था तो मैं उसको जान दे रहे भाई माफ़ कर दिया। 65,000 रुपये दे बोल के बोला, 65,000 बीस बीस देते बोल के दस दस को भी मैं एग्री होगा दे दो भाई बोल के बोला। 25,000 दिए, 40,000 देना था मेरे को, 40,000 देना था। 2-3 महीने से फिर फिरा रहा तो मैं बोला भाई क्या हुआ रे भाई बोल के मैं फ़ोना करा, तो आज मेरे को मीडिया उलंगा उन्हें कल उसका डेढ़वा उन्हें फांसी ले लिया गए थे, उसको दूसरे भी देना था कर्जे फांसी ले लिया गए थे। अब मेरे खिलाफ़ लोग आके उसके घर में फाइनेंसर है, रॉडीशीटर है, वो है बोल के मेरा आगे पैसे नहीं है कोई बदल, मैं कोई फाइनेंसर नहीं हूँ ना कोई रॉडीशीटर हूँ, मैं सीधा ज़्यादा बिजनेस करता हूँ, मैं खाता हूँ। मेरे को नाजायज मेरे को मीडिया में चढ़ा वो कर दे रहे, बदनाम कर दे रहे, रॉडीशीटर है बोल रहे, फाइनेंसर है बोल रहे, मैं क्या है भाई, कहीं को ऐसा सब गलत है, ये फेक न्यूज़ डाल दे रहे। बेडशीटों का कारोबार है मेरा जी, हो कारोबार पे गए नो जाके कारोबार के पैसे लेके खाली है, जुए में हार गए। मैं भी दूसरे के ना पैसे लिया, दुकान वाले के ना माल उधार लेके करता हूँ मैं। अब वो लोग हम एक दम कर रहे, मैं इसको 2-3 महीने से दे भाई बोल के बोला ना, मैं उसको कुछ टॉर्चर करा ना कुछ करा, उन्हें भोजनों के बाकी है। अब इसके घर वाले क्या है, चुप ना जाए मीडिया में डाल के मेरा नाम वो कर रहे और एक साथ के बच्चे का नाम मीडिया में शो कर दे रहे। रॉडी सेटअप तौफीक है उसका नाम जी। हो क्या कुछ इंस्पेक्शंस करे थे अब अमाउंट देने के बाद में या मंथली कुछ किए बोल के वो लोग आज बोले 20 देते बोले, उसके बाबा ने दोनों बात करे उसके वीडियो भी है अपने पास, मेरे पास वीडियो भी है उसका, पेपर भी बनाए, सो पेपर भी है, मीडिया में डालो बोल तो मीडिया में भी डाल देता हूँ मैं। लेकिन क्या है गैर जरूरी का बदनाम कर देते बोले जी, उसमें ये 20,000 रुपए देंगे तो माइनस होंगे या किराए नाम पे भी कुछ नहीं भाई, माइनस होंगे वैसा कुछ भी नहीं है, माइनस करेंगे। 65 थे, अब 40 ही देना बोल के थे, 40,000 65 में से 25 दिए लगा, 40 ही देना बोल के था और बोलते सर 3 महीने से फिर आ रहा था, मैं खाली फ़ोन करा उसको टोटल अमाउंट 20,000 रुपये है वो। अभी क्या कहना चाह रहे हैं अभी क्या भाई, मीडिया में मेरा नाम खराब कर दे रहे, मैं रोडी सेटर हूँ बोल रहे, मैं फाइनेंसर हूँ बोल रहे, गलत है ना भाई ये सब ना, मैं रोडी सेटर हूँ ना मैं फाइनेंसर हूँ मैं। नेम भाई करता हूँ, ओके नेम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं शेख नईमुद्दीन बीआरएस पार्टी सुलेमान नगर डिवीज़न प्रेसिडेंट। आज प्रेस नोट के हिसाब में मैं यहाँ पर हमारे पीएस राजेंद्र नगर अत्तापुर में पीएस पोजीशन में इसलिए आए, हमारे सुलेमान नगर डिवीज़न के सेक्रेटरी मोहम्मद वहीद साहब और एक यूथ के वाइस प्रेसिडेंट शकील साहब के खातिर मैं यहाँ पर आया हूँ। एनटीवी में जो आज यहाँ पर रिश्वत खाकर
ये जज फैना सर जो बोले ये गलत बात है। एक बच्चा हमारा तौफीक, हमारे भी गम है, क्योंकि हम सदर खाली एक को सदर नहीं होते, पूरे डिवीज़न को सदर हूँ मैं। क्या आज बच्चा हमारा मेरे भी गम है, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, मगर बोलने से पहले कोई लोग अगर खुश करे तो अपन खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सियासत की हम वहाँ पर नहीं खेलना, अपन ये मरने की जगह सियासत खेलना है तो कौन खेलता है, गांडू खेलता सियासत खेल ऐसा, मर्द नहीं खेलता। मर्द किसको बोलते हैं, जो बात हक्की करना है वो करना है। बाप बेचारे का घर में एक हादसा हो गया, उससे हम लोग भी वो लोगों के लिए अपन ये करना कि भाई बाप बेचारे परेशान है बोलकर वहाँ पर जाके फुश करके वो लोगों को सिखा कर जाकर ये लोग फाइनेंसर, फाइनेंसर किसको बोलते, सूद खाने वाले को फाइनेंसर बोलते। वहीद का कारोबार क्या है, ये लोग ब्लैंकिटा का कारोबार करते हैं, ये ज़माने से मालूम है। हमारे डिवीज़न का सेक्रेटरी है उन, 9-10 साल से मेरे पार्टी का वर्कर है उन। हाँ तो हम लोग यहाँ पे रोडी शीटरों को ना तो सूद खाने वालों को हम ऑफिस में नहीं रखते अपन। हमारे पास सीधा साधा इंसान सुलेमान नगर डिवीज़न के अंदर सीधा साधा इंसान, सीधा लीडर होना हमारे पास, ये रोडी शीटरा, ये हमारे पास कारोबार करने वाले, ये सूद खाने वाले, ये मिट्टी खोरा, ये नहीं होना है। ये बात रांग है, ये कौन मिट्टी खाता कौन बोलते वो लोगों को राइट से। इसमें और एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, भाई सियासत करो, एक आदमी के साथ सियासत करो। ये जो इंसान मर गया उसके साथ भी सियासत कर रहे तो सियासत गलत है, क्योंकि मैं आप लोगों से एक अपील करता हूँ, और जो मर गया तौफीक को भी जन्नत नसीब करे। और मेरे तरफ से, मेरे डिवीज़न के पूरे आल लीडर्स के तरफ से, मेरे डिवीज़न के, मेरी माँ बहनों के तरफ से, मेरे तौफीक, मेरा छोटा भाई है, मेरे ऑफिस में आया था, मेरे ऑफिस में भी ये पंचायत हो गई, इसलिए तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। मैं ऑफिस में आने के बाद मैं खुद पैसे माफ़ करने लगाया, माफ़ करके ये महीना 10 दे बोले, चलो कोई काम नहीं, महीना 10 होंगा 5 होंगा, चलो वहीद के वास्ते मारा बोले तो रांग बात है। ऐसा कई लोगों के वो मेरे को मालूम है। अब एक मरूम के सामने अपन रांग बोलना भी गलत है, मरूम के बारे में अपन बोलना भी नहीं है। मरूम मर गया उसको भी हिसाब किताब है, अपन रांग नहीं बोलना मरूम के बारे में। ऑलरेडी कई लोग मेरे पास ऑफिस में आए, मेरे को 2 लाख देना, मेरे को 3 लाख देना, मेरे को 5 लाख देना, ये मेरे को मालूम है। क्योंकि अब मरूम के लोगों को भी उनके माँ, उन माँ तो नहीं है, बाबा है, बहना है। अब ये लोगों को थोड़े लोग खुश कर रहे हैं, खुश करने दो, उसमें होने वाली बात कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला है, पुलिस है, इंक्वायरी करेंगी। रोडी शीटर है तो रोडी शीटर बोलेंगे, मिट्टी खोर है तो मिट्टी खोर बोलेंगे, फाइनेंसर है तो फाइनेंसर बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।